अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर फ़ान, यू आर वाचिंग क्रिप्टो मोबी यूट्यूब चैनल। और ये जो वीडियो थी ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि सर वीडियो ले आएँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से वेट भी करवाया। ये जो स्ट्रेटजी है इसके मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट प्रूफ्स भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ, ठीक है, कि हाउ आई मेड 3 लाख रुपीज़ इन अ डे, ठीक है, किस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। देखो ये स्ट्रेटजी ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के बाद आप बहुत ज़्यादा प्रो बन जाओगे या आपकी हर ट्रेड सक्सेसफुल जाएगी, आपका सक्सेस रेशो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि लाइक आप 70 से 80% अपनी ट्रेड्स पे विन कर पाओगे, मींस आप उन ट्रेड को सक्सेसफुली क्लोज कर पाओगे, ठीक है। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 10 में से 7 या 8 अगर आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट्स में जाते हैं, यकीन करो आपने 10 ट्रेड्स लिए, आपको हर ट्रेड में आपका 5-5% का $5 का एम है, ठीक है। आपने एक ट्रेड में $5 कमाए और लेकिन आपकी 2 ट्रेड जो है वो नुकसान में गई, आपने $5 गवाए भी। अगर आपने 10 ट्रेड लेके $40 भी कमाए और $10 नुकसान किए तो एटलीस्ट यू आर इन $40 से $30 प्रॉफिट में ना, तो आपके लिए इतना इनफ होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। पहले कॉपी ट्रेडिंग के अंदर डायरेक्टली अपना मेन पोर्टफोलियो यूज़ नहीं करना, पहले आपने देखना है कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है। अच्छा, अब आप इसके लिए रेडी हो। जब आपका सक्सेस रेशो 75 से 80% के अंदर आ जाता है ना, तो इट मीन्स कि आप इस स्ट्रेटजी के लिए अब रेडी और आप तैयार हो जाओ, ठीक है। इस स्ट्रेटजी को आपने यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बाइनेंस जाना है और आपने सबसे पहले ओपन करना है टॉप गेनर्स कॉइन और टॉप लूजर्स कॉइन, ठीक है, क्योंकि ये जो 2 कॉइन्स होते हैं ना इनके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहती है। आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर कोई कॉइन नया भी लॉन्च हुआ है ना तो बस ठीक है, कोई मसला नहीं। ख्याल आपने इस चीज़ का रखना है कि लूजर्स के अंदर कॉइन वो ना हो जो डिलिस्ट होने वाला हो, ठीक है। जैसे थोड़े दिनों पहले यहाँ पे नेबल था और QLC था, तो उनसे आपने बचकर रहना था क्योंकि वो डिलिस्ट होने वाले थे, तो उसके अंदर आपने ट्रेड नहीं करनी थी क्योंकि आपका रिस्क उसके अंदर 80% हो जाता है, रिवॉर्ड 20%। तो आपने उन कॉइन्स के अंदर ट्रेड करने जो फिलहाल आज के दिन घिरे हैं, लेकिन सेलिंग वॉल्यूम की वजह से उसके अंदर वॉल्यूम इस वक्त ज़्यादा है, ठीक है, तो आप उसके अंदर जो है स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। आपका प्रॉफिट इसके अंदर बनेगा 1% से 2% का एक ट्रेड के अंदर, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ट्रेड्स लेते हो। मेरा आपको मानना ये कि आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ कि मैं दिन में 5 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लूँगा, भले मुझे 5 के 5 में नुकसान हो जाए, लेकिन 5 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा। मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। मेरा एक एम है कि अगर मुझे आज 5 या 3 ट्रेड्स करनी है तो मैं उतनी करूँगा, ठीक है। ये आपका एक रूल होना चाहिए। अब जैसे मेरा रूल है कि मैं दिन में 3 ट्रेड्स करूंगा, तो मैं 3 ट्रेड्स करूंगा। अगर भले मेरी 3 ट्रेड सक्सेस में जाती है तो मैं चौथी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मेरी 3 में से अगर 2 भी सक्सेसफुल जाती है और 1 लॉस में जाती है तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। भले मेरी 2 लॉस में जाती है और 1 प्रॉफिट में जाती है तो भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं 3 ही ट्रेड्स करूंगा, भले तीनों की तीनों लॉस में क्यों ना चली जाए। सही है, आपने अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है इस तरीके से। अब इसको यूज़ कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना है। अब यहाँ पे जो कॉइन है उसका नाम है बीटा, ठीक है। बीटा गेनर्स के अंदर है, 8-10% पम्प है और कम पम्प है। इसके अंदर एक वॉलेटाइल है। 1 मिनट के चार्ट के अंदर देखो, इसके अंदर वॉलेटाइल मूव बहुत ज़्यादा है। अगर आप बाकी चार्ट्स ओपन करके देख लोगे तो उसके अंदर इस तरीके की मूव नहीं होगी, क्योंकि ये गेनर्स में कॉइन है, इसके अंदर वॉल्यूम है, तो लोग इसके अंदर ट्रेड ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट का इसका चार्ट है। अब आपने जो सबसे पहली चीज़ देखनी है 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, वो देखनी कि क्या इस वक्त जहाँ पे कॉइन की प्राइस मौजूद है वहाँ पे सपोर्ट है। जी हाँ, सपोर्ट मौजूद है। आपकी पहली मार्क जो है वो कंफर्म है, ठीक है। पहली चीज़ जो कंफर्म है, हम 3 चीज़ें देखकर ट्रेड करेंगे। पहली है कि सपोर्ट वो है, देन आप ट्रेड करोगे। दूसरे इंडिकेटर का नाम है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड आप यूज़ कर सकते हो। डिफॉल्ट में जाके इंडिकेटर्स में जाके आप BB लिखोगे, आपको ये जो है मिल जाएगा, ठीक है। BB आप लिखोगे, आपको बॉलिंजर बैंड मिल गया, ठीक है। अब ये आपको एक मूविंग एवरेज लोअर फ्रेम आपको दिखाती है कि यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर है, ठीक है। बीच में जो ये येलो लाइन है, यहाँ पे आपकी TP हो सकती है या आपकी TP ऊपर वाली सेलिंग लाइन के अब तक हो सकती है, ठीक है, सेलिंग लाइन तक हो सकती है। अब आपने इसके अंदर देखो, आप देखोगे ना कॉइन को, तो वो इस कॉइन जो है ना, ये कॉइन इसके अंदर ही घूमता है, ठीक है। ये मूव बाद में बनती है, इंडिकेटर लैगिंग है, लेकिन इसके साथ आपने एक और चीज़ भी यूज़ करनी है जो इस इंडिकेटर की महारत को दुगना कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीन है। अब देखो, जब भी आपके पास इस लाइन को कहेंगे, नीचे वाली लाइन को, बॉटम वाली जो आपके पास एम ए आ रही है ना, इसको हम कहेंगे बाइंग लाइन। अगर बाइंग लाइन के करीब कोई सपोर्ट है या बाइंग लाइन पे ही सपोर्ट है, जैसे यहाँ पे बाइंग लाइन पे ही सपोर्ट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो करीब में ही सपोर्ट है, बाइंग लाइन पे तो ये भी नहीं है, करीब में सपोर्ट है, एक ऊपर सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे जो करीबी सपोर्ट होगी ना उससे आप वहाँ पे एंट्री लोगे। जिससे इस लाइन के करीब एक करीबी सपोर्ट थी, ऐसे देखो पहले इस लाइन ने इसको पुश किया कॉइन को 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ पे आपके पास एक बहुत अच्छी सपोर्ट भी थी। तो आप क्या करोगे, ये देखकर एंट्री लोगे। देन आपके जो टारगेट्स हो सकते हैं वो अबव के हो सकते हैं, लाइक ये येलो लाइन आप जो देख रहे हो ना, ये लाइन, ये आपकी एक TP हो सकती है जिसमें आपको 1.10% तक का प्रॉफिट है, या आपकी जो सेलिंग लाइन हो सकती है, जैसे ये सेलिंग लाइन है, ठीक है, इसके करीब अगर कोई रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे इसके करीब एक रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे आपके पास कुछ 1.04 वाला बन जाता है, तो एक ये लाइन है, तो आप यहाँ तक सेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपने एंट्री ली, यहाँ पे सेल कर दिया, लेकिन 1 मिनट रुको। यहाँ पे तो आपके पास 2 चीज़ें कन्फर्म है। पहली चीज़ ये कि क्या सपोर्ट है, दूसरी चीज़ यहाँ पे करीब में एक बाइंग एमएम मौजूद है बॉलिंजर बैंड की, दो चीजें कंफर्म। तीसरी चीज जो आपने देखनी है वो है स्टॉचेस्टिक आरएसआई। स्टॉचेस्टिक आरएसआई अगर बिलो द 21-22 के नीचे क्रॉस करता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि नंबरिंग आ रही है, जैसे यहाँ पे इसने क्या किया 14 पे नीचे क्रॉस किया, ब्लू वाली जो लाइन है वो रेड लाइन के जब अबव आ जाए क्रॉस करके, तो आपके पास देखना है कि हाँ नीचे क्रॉसिंग के करीब है या क्रॉस हो चुका है। तो आपके पास जब तीन ये चीजें कंफर्म हो जाए ना, तभी आपने एंट्री लेनी। गेनर्स के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे कॉइंस मिलेंगे जो अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन किसी में दो चीजें कंफर्म होंगी, किसी में एक चीजों की सपोर्ट पर होगा तो बाइंग लाइन नहीं होगी बॉलिंजर बैंड की, ठीक है, या स्टॉचेस्टिक पूरी तरीके से काम नहीं करोगा। आपने एंट्री उन कॉइंस के अंदर ही लेनी जिसके अंदर आपको तीनों चीजें जो वो परफेक्टली मौजूद हो। अब इसके अंदर देखो तीनों चीजें जो वो परफेक्टली मौजूद हैं, क्या सपोर्ट भी है, बाइंग लाइन भी एमए की, और स्टॉचेस्टिक आरएसआई भी जो है वो ओवर सोल्ड है और नीचे क्रॉस करने वाला है। तो इन तीन चीज़ों को देखकर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लोगे एक एंट्री, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से आपने एंट्री जो है वो लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने ली एंट्री और अब आपकी ट्रेड जो है वो चली गई, ठीक है, जा रही है। आपका अब यहाँ पे क्या करना है, देखो एक्जैक्टली रेजिस्टेंस तक गई आपके पास। अगर आपने यहाँ पर इसको देखकर ट्रेड ली होती तो आप कितने परसेंट प्रॉफिट के अंदर होते हैं, आप ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट में होते हैं, ऑलमोस्ट 1 से 2% के प्रॉफिट के अंदर। अगर आप $100 के पोर्टफोलियो के साथ इस वक्त ट्रेड करो, देखो जितनी ज्यादा आपकी बड़ी अमाउंट होगी, $10 के साथ अगर ट्रेड करो तो 0.1 मिलेगा, $1000 के साथ अगर आप ये ट्रेड करे होते तो अभी आपका $20 बन जाता, ठीक है, $100 के साथ अभी आप ट्रेड करे होते तो आपका $2 बन जाता। तो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो आपको प्रॉफिट भी कम होगा। अब जब आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो ना, तो आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो लास्ट लाइन की जो विक एरिया है ना, जो विक्स एरिया है, उसके नीचे या इसके करीब कोई सपोर्ट, लाइक जैसे सपोज करो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। आप पहले ये देखो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि सर मुबशिर भाई मुझे यहाँ पे जो प्रॉफिट है ना, ऑलमोस्ट मैंने देखा है तो मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट मैं देख रहा हूँ ना वो मेरा 2% का है। तो मैं आपसे कहूँगा ठीक है, आप एक काम करो, आप यहाँ पर 1 से आधे % का रिस्क लो, ठीक है। 1% का रिस्क कितना बनता है, अब यहाँ पे जो आपकी ट्रेड है ना, अगर नुकसान हुआ तो 1%, प्रॉफिट हुआ तो 2%, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका 1-2 रेशो के अंदर जो है वो मैनेज हो गया। आप चाहो तो 0.5% का रिस्क ले सकते हो, लेकिन देखना ये कि जो आपको जो स्टॉप लॉस लगे ना वो सपोर्ट के नीचे है। 0.5% का जो स्टॉप लॉस है ना वो सपोर्ट के नीचे नहीं आ रहा, बल्कि अगर हम देखें सपोर्ट के नीचे एक अच्छा स्टॉप लॉस अगर आ रहा है तो 0.8% का आ रहा है, तो मैं उतना रिस्क लूंगा। अगर 1% का रिस्क 2% का रिवॉर्ड है, अगर मेरी 3 ट्रेड्स फायदे में गई तो मुझे 6% मिलेगा, अगर मेरी 3 ट्रेड्स नुकसान में गई तो मेरा सिर्फ 3% जाएगा, जो कि मैं कल की अगर 2 ट्रेड्स मेरी सक्सेस में चली गई तो मेरा वो कवर हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। स्टॉप लॉस टीपी आपने मस्त लगानी है। फ्यूचर ट्रेड आप कर रहे हो, आप स्पॉट करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ पे स्पॉट ही करते हैं, ठीक है, इसलिए हमें प्रॉफिट कम होता है। अगर आप फ्यूचर के अंदर यही चीज 5x पे कर रहे हो तो शायद आपको 10-20% का प्रॉफिट हो रहा होता है, और आप $100 के ऊपर $10-20 बना रहे हो, तो $1000 के ऊपर आप $100-200 बना रहे होते हैं। ये स्ट्रेटेजी आप बिटकॉइन के अंदर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बिटकॉइन भी एक हाई वॉल्यूम कॉइन है, सही है। अब ये हुई आपके पास एग्जाम्पल कि हमने जिस तरीके से देखा कि मुबशिर भाई जी बिल्कुल परफेक्टली फॉलो हुआ, हमारे पास रेजिस्टेंस तक गई और यहाँ से इसको रिजेक्शन भी मिली, इसके बाद मजीद और भी ऊपर गया, लेकिन हमारी टीपी यहाँ तक थी तो हम निकल गए, सही है। अब मुझे गेनर्स के अंदर ही एक और कॉइन मिला है जिसका नाम है RAD, ठीक है, जिसका 16% यहाँ पे जो है आज इंक्रीज है। इसके अंदर मैं सारी वो चीज़ें देख रहा हूँ जो मैंने आपको बताई थी। क्या है, यहाँ पे मेरे पास सपोर्ट भी है, यहाँ पे मेरे पास बाइंग लाइन के करीब है, यहाँ पर आपके पास स्टॉचेस्टिक भी जो है ओवरसोल्ड है, तो तीनों चीज़ें जो हैं वो चेक हैं। तो आप क्या करोगे, आपने ली एंट्री, आपने देखा कि यहाँ से कंफर्म हो चुकी है सपोर्ट के कंफर्म होने का वेट करने कि एक विक लगकर आ जाए, जैसे कि आपने यहाँ पे किया था ना, एक विक लगकर आई थी सपोर्ट से, तो हमने कंफर्म किया जी यहाँ पे सपोर्ट है जो प्राइस को संभाल रही है, यहाँ पे मतलब बायर्स हैं। अगर विक लग रही है ना अच्छी तो इट मीन्स के बायर्स हैं, तो आप संभलोगे। देन आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ली। आपका टारगेट जो हो सकते हैं, अगर तो येलो लाइन पे टारगेट कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फिर जाओ नेक्स्ट लाइन की तरफ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मुझे दिख रही है एक रेजिस्टेंस लेवल, ये देख रहे हो, इसके करीब एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस से क्या होता है कि रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं क्या करूँगा, करीबी सेलिंग लाइन के जो रेजिस्टेंस होगी मैं वहाँ पर अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करूँगा, ठीक है। लाइक अगर आप यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2% का प्रॉफिट है, सपोर्ट के नीचे वही आपका 1% का रिस्क है, तो यहाँ पे आप 1-1.5% का रिस्क लो और 2-2.5% का अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आप उसकी तरफ भागो। यही सब चीज़ें देखकर आपने अगेन एंट्री ली, और जब आप अगेन एंट्री लोगे तो माशाल्लाह से जो आपकी ट्रेड जाएगी वो एकदम सक्सेसफुल जाएगी। और देखो आपके पास जो सेलिंग लाइन थी वहाँ तक इसने हिट किया और आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कुछ ट्रेड्स जो होंगी वो आपकी सारी, ज़रूरी नहीं कि आपकी सारी ट्रेड्स जो वो प्रॉफिट के अंदर जाएगी। ये जो स्ट्रेटेजी वर्क करेगी ना, ये सिर्फ और सिर्फ हाई वॉल्यूम वाले कॉइन्स के अंदर वर्क करने वाली है। अगर आप छोटे मोटे कॉइन देखोगे लाइक वन, उनका 1 मिनट का चार्ट देखो पूरा बिगड़ा हुआ है क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं है, तो आपको इसके अंदर मजा नहीं आएगा। एक्सआरपी के अंदर भी कोई उस तरीके की कैंडल्स देखो, एक सेटिस्फाइंग कैंडल्स नहीं बन रही। ये सेटिस्फाइंग कैंडल्स आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी गेनर्स और लूजर कॉइन्स के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक एक मिनट के अंदर बड़ी बड़ी जो है ना हिलजुल हो रही है, ठीक है। तो आप उस तरीके से ट्रेड करोगे, लाइक बीटा गेनर्स का चार्ट आप देखोगे और एक एक्सआरपी जो कि मिड कैप है और इतना कोई खास मूव नहीं कर उसका आप चार्ट देखोगे। बीटीसी के अंदर भी आपकी ट्रेड जो काम कर सकती है क्योंकि देखो हाई वॉल्यूम है, तो बीटीसी के अंदर भी आप ये कर सकते हो, सही है। फिलहाल बीटीसी यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो गौर से अक्लमंद लोग होंगे वो समझ होंगे कि यहाँ पे एक बाय सिग्नल है, ठीक है, बीटीसी के अंदर इस तरीके का, लाइक क्योंकि आरएसआई भी यहाँ पर सपोर्ट भी है। आरएसआई स्टॉचेस्टिक जो वो ओवर क्रॉस है नीचे की तरफ, आपकी तरफ जो है स्टॉचेस्टिक की सॉरी बाइंग जो बीबी की बाइंग एम है वो करीब है सपोर्ट है, तो यहाँ पे आपके पास एक बाइंग वो है। इस तरीके से आपने ट्रेड्स लेनी है, ठीक है। पहला आपने कॉपी ट्रेड करना है, आपने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि हाँ मैं इसमें कर रहा हूँ, मैं मचा रहा हूँ खूब, तो देन आप अपना रियल पोर्टफोलियो ले आओ। ये एक स्ट्रेटेजी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, यूट्यूब पर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं है, बस ये कहेंगे 2 लाइनों का क्रॉस हो जाए, 2 MA का क्रॉस हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, कोई इंडिकेटर लगा लो। इंडिकेटर्स भी आप 3-4 यूज़ करोगे और आप चीज़ों को देखोगे कि क्या चल रहा है, सही है। वॉल्यूम को आप देखोगे, वॉल्यूम आपने देखना मस्ट है, वो कोई नहीं बताता आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो बस अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिस्कॉर्ड सर्वर आप मस्ट ज्वाइन कर लो, जितने भी लोग यहाँ पे बिगिनर्स हैं न्यू हैं, आपको हर तरीके की चीज़ से अप टू डेट जो है हम रखते हैं, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।